नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगर आपकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी तो साथ साथ आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अगर मैं बात करूँ, लगभग 1600 से ज़्यादा अब पर जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर हो गया है उसका प्राइस हो गया है। अगर आप एक एक्टिव, मैं बोलूँ यहाँ पे ऑनर है रेस्टोरेंट के या क्लाउड किचन के, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो आपने इस समय जब कॉस्टिंग आपकी बढ़ रही है फ्यूल की, तो आपने क्या किया है? क्योंकि मेरे एक मेंटी हैं और लगभग कल से 4 लोगों ने मुझे मैसेज डाला कि सर जो सिलेंडर में 60 रुपये बढ़ गए हैं हमारे हमारे स्टेट में, अब हमें क्या करनी चाहिए। तो एक जर्नल मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप सब भी इनका इन जो हैक्स मैं आपको यहां बताने वाला हूं उनका फ़ायदा उठा पाओ, ताकि आपकी भी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो कम हो जाए। बाकी अगर आप एक्टिव, मैंने बोला एक्टिव रेस्टोरेंट ऑनर हो या क्लाउड किचन ऑनर हो, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपने इसके लिए क्या क्या स्टार्ट किया है अगर आपकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा, आप मुझे एक सिंपल आंसर ये दीजिएगा कि एक कॉमर्शियल सिलेंडर का हमारा वेट कितना होता है, उसके अंदर हमारी कितनी गैस आती है। ये आपके लिए एक IQ वाला क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए, उससे पहले अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो मेरा क्लाउड किचन का लॉटरी का कोर्स है वो चालू है, जिसकी कीमत 299 रुपये है। उसे आप इनरोल कर सकते हो। ये उतना ही आप बोल सकते हैं इफ़ेक्टिव है जितनी कि मेरी 1000 वीडियो देखना। अगर आप चाहते हो क्लाउड किचन खोलना और आप चाहते हो कहीं से गाइडेंस लेना, किसी से कोर्स लेना, तो आप ये वाला ले सकते हो। इसकी कीमत मैंने मात्र 299 रुपये रखी है। आप नीचे व्हाट्सअप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसे मैंने खुद बनाया है, मैं एक प्रोफेशनली शेफ हूँ, मैं किसी भी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग वाला नहीं हूँ, मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, और ये प्योरली ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया गया है। तो आपको इस तरीके के कोर्स के लिए 6000 रुपये 10000 रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वो 299 रुपये का कोर्स ले लीजिए, या अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो 1000 वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देखिए और आपको पूरा का पूरा भरपूर ज्ञान मिल जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहला हैक यहाँ पे है, जब हम लोग अपनी जो बर्नर्स होते हैं उनकी क्लीनिंग करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले ये हैक आ जाता है। आप जब भी बर्नर क्लीन कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर लगानी है एल्युमिनियम फॉइल, या इस तरीके का सेटअप करना है कि क्लीनिंग करते समय आपका जो पानी है आपके जो बर्नर के अंदर ना जाए। जब आपका पानी आपके बर्नर के अंदर नहीं जाएगा, तो आपका जो गैस बाद में आप ऑन करके जलाएंगे वो प्योरली आराम से पास होगा और आपकी गैस प्रॉपर जलेगी, नहीं तो फिर वो जो गैस होती है उसे आने में दिक्कत होती है, क्योंकि बीच में पानी आ जाता है और गैस की जो फ्लेम वगैरह लो हो जाता है, येलो कलर की गैस निकलने लग जाती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, पायलट का यूज़ ना करें, पायलट का प्रयोग ना करें। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि हमारी बर्नर होती है, बर्नर के साथ सामने एक लाइटर जैसा लगा रहता है जो कि हमेशा जलता रहता है। अगर आपके ऑपरेशंस छोटे हैं तो प्लीज़ उस प्रकार के लाइटर्स का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे सिर्फ आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट है बढ़ती जाती है। उस लाइटर का प्रयोग सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको बार बार आपके जो लाइटर होते हैं जिससे कि आप आग लगाते हैं एक्चुअली में, वो यूज़ ना करने पड़े, माचिस यूज़ ना करना पड़े। पर अगर आपका ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं है तो उस पायलट का कभी भी यूज़ ना करें, उसे बंद कर दें। इसके बाद है, आप जो भी खाना बना रहे हैं कि कुक फूड अकॉर्डिंग टू द बर्तन, बर्तन मतलब कि या उल्टा इसको आप कर दीजिए, आपके अगर मैं बोलता हूँ कि आपके पास 5 किलो खाना है तो आपको वही बर्तन लेना है जिसके के अंदर 5 किलो खाना बन जाए। ये ना हो कि आप एक और 50 किलो का पतीला ले लें और उसके अंदर खाना बनाएं, या इसका उल्टा ना करें। अगर मान लीजिए आपके पास एक 5 किलो का पतीला और आप कोशिश कर रहे हैं उसमें 10 किलो खाना बनाने की, तो इससे भी आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके बाद है, नेक्स्ट है कि आपको अपने जो मोटे अनाज है, जैसे मैं राजमा बोल दूँ, मैं आपके चने बोल दूँ, उनको हमेशा भिगा के यूज़ करना है। अगर आप उनको ओवरनाइट भिगाएंगे, उससे भी ज़्यादा भिगाएंगे, तो उनके अंदर पानी पूरा चला जाता है और उनको उनकी जो बॉइलिंग है या उनकी जो कुकिंग है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है। कभी कभी हमसे गड़बड़ होती है, हम लोग सीधा उनको प्रेशर कुकर में चढ़ा देते हैं बिना भिगाए हुए। वो कुक तो तब भी हो जाएंगे पर बहुत ज़्यादा जो हमारी फ्यूल की जो कॉस्ट है उसमें लगेगी। इसके बाद है, ओवर कुकिंग कभी ना करें। ओवर कुकिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपने देखा होगा मेरे आलू उबल गए हैं और मुझे पता चल गया उबल गए हैं, पर हम लोग नेगलेक्ट करते हैं चीज़ों को और उसके बाद भी वो घंटों घंटों तक उबलते रहते हैं। हमारी दालें उबल जाती है उसके बाद भी हम लोग उसको उबालते रहते हैं, तो ओवर कुकिंग या ओवर बॉयलिंग नहीं करनी है। जितनी ज़रूरत है, अगर मुझे लगता है कि दाल को मुझे हाफ़ डन करना है तो हाफ़ डन ही करना है, आलू को फुल डन करना है तो फुल डन ही करना है। फुल डन के बाद ये ना हो कि मैं बिल्कुल एकदम, जब तक पानी सूख नहीं जा रहा है, मैं नेगलेक्ट हूँ, मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मेरा पूरा का पूरा बर्तन सूख जा रहा है, पानी भी गायब हो जा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको स्मार्ट इक्विपमेंट, जी हाँ स्मार्ट इक्विपमेंट, जैसे कि हमारे फ्रायर्स हो गए,
हमारी हॉट प्लेट्स होगी वो यूज़ करने हैं। इवन अभी एक मैं सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा, कोई एक इक्विपमेंट बनाने वाली हमारी कंपनी है जो कि इस तरीके के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती हैं, उनके लिए मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ। तो उस प्रकार के इक्विपमेंट भी आप कर सकते हो, इससे आपकी जो गैस की कॉस्ट ज़रूर बच जाएगी। इसके बाद है जो बर्नर्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, वो बर्नर्स को आपको मेंटेन करके रखना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग से पहले आपको क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको मैंने बता दिया। क्योंकि अगर आप बर्नर की क्लीनिंग नहीं करेंगे, बर्नर की जो बर्नर के जो पाइप्स होते हैं उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, आपके जो गैस के जो वॉल्व्स होते हैं उनकी क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो आपकी जो फ्यूल है वो अटक अटक के आएगा, रुक रुक के आएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है बढ़ जाएगी। हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने के चक्कर में अपनी फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा देते हैं, जनरली हर कोई ये गलती करता है। इसके बाद है करेक्ट साइज़ के बर्तन यूज़ करने हैं, माफ़ कीजिए, करेक्ट साइज़ के बर्नर यूज़ करने हैं। बर्नर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, इंडियन है, चाइनीज़ है, कॉन्टी हैं, तो जिस प्रकार की आप कुजीन चला रहे हैं आपको उस प्रकार के ही बर्नर यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो फ्यूल की कॉस्ट कम हो। इसके बाद जो भी हमारे हम लोग अगर हम कुछ बॉइलिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि प्रेशर कुकर का यूज़ करें। अगर आप आलू उबाल रहे हैं, दाल उबाल रहे हैं, तो अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें थोड़ा जल्दी ही आपकी कुकिंग हो जाती है। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है कि किस प्रकार से हम लोग अपने फ्यूल की कॉस्ट को कैलकुलेट करें, मैं नीचे वीडियो का जो लिंक है वो भी डाल दूंगा, उसे देख लीजिएगा। एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी फ्यूल को कैसे कॉस्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसमें सिखाया गया है, आप उसको जाके देखिएगा। इसके बाद इसमें दो चीज़ें और मेरी रह जाती है कि आपको मैक्सिमम अपने जो गैस को यूटिलाइज़ करना है, जैसे कि मान लीजिए अभी बारिश का समय हो गया मैक्सिमम, तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड सी भी होने लगी है, तो जो गैस होती है वो गैस आपके जो सिलेंडर के तली में जम जाती है, वहीं पर रह जाती है, तो आपको उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। प्रॉपर यूटिलाइज़ कैसे करना है, आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। आप गर्म पानी अगर छिड़केंगे अपने सिलेंडर के बॉटम में, उसकी तली में, तो जो गैस बचती है वो ऊपर आ जाती है। आपको ये भी एनालाइज़ करना है, अगर आपके पास दो सिलेंडर हैं तो आप उनको प्रॉपरली यूज़ कीजिएगा, ताकि एक की गैस जो पूरी ख़त्म हो जाए फिर दूसरे की गैस ख़त्म हो जाए। ये एक ट्रिक्स होती हैं जो कि आपके शेफ़ लोग होंगे उनको पता होगी, नहीं पता तो कमेंट नीचे कीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इसके बाद जब भी आप अपने सिलेंडर रिसीव कर रहे हो और जब भी अपने सिलेंडर वापस कर रहे हो, आपको दोनों समय तोल के लेने हैं और तोल के ही देने हैं। क्योंकि अधिकतर हम जब लेते हैं, पैसे तो हम लेते नहीं हैं तोल के, पर आप मेरी वीडियो से आप लोग लेने लगे हैं, तोल के ले रहे हैं, तो जब आप उनको वापस दे रहे हैं खाली सिलेंडर, तब भी आपको तोलना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट अगर मेरा इतने केजी का सिलेंडर है तो कितनी गैस वापस जा रही है। तो एक महीने में आप देखेंगे कि आपकी इतनी सारी फ्यूल जो आपने खरीदा है वो फ्री में ही वापस चला गया, और ये तभी होगा जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसे प्रॉपरली वेट करेंगे। तो ये कुछ हैक्स थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ताकि आप भी अपनी फ्यूल कॉस्ट को कम कर सके। जिस प्रकार से मैं अपने मेंटीज की सहायता करने की कोशिश करता हूं पर्सनली उनसे अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, आप भी नीचे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे होंगे तो मैं जरूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिख सकते हैं। बाकी जो 299 रुपीस का क्लाउड किचन लॉटरी कोर्स है, आप उसे ले सकते हो, और इसके बाद आपको कोई भी 6000 10000 के कोर्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।